नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एग चाउमीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके में लिए मैंने पहले चाउमीन ली है, कुछ वेजिटेबल काटे हैं, 3 अंडे हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। गैस में एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखें। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, नमक और हल्दी। इसको हम गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तो अब हम इसमें अपनी चाउमीन डालेंगे। चाउमीन को हमें हाफ कुक करना है। तब तक के लिए आप वेजिटेबल काट ली, मैंने शिमला मिर्च काटी है, प्याज काटा है, पत्ता गोभी काटी है, गाजर काटी है और एक मिर्ची काटी है। अभी हम अंडे को फेंट लेते हैं। इन्हें हम अच्छे से फेंटेंगे। तब तक के लिए हमारी चाउमीन भी बन गई है। अब हम चाउमीन को निकालेंगे और इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। चाउमीन को मैंने ठंडे पानी से धो लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गई है। पहले हम अंडे की पुर्जी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची। और इसी तरह से हम अंडे की पुर्जी बना लेंगे। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। मेरे वीडियो में आप रेसिपी के अलावा मार्केट और गार्डनिंग, स्टिचिंग के वीडियो भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हमारे अंडे की पुर्जी भी बन के तैयार हैं। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम चाउमीन बनाएंगे। गैस में मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें पत्ता गोभी, गाजर और प्याज डालेंगे। शिमला मिर्च को अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, पहले इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो अभी इस तरह से इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे। पहले थोड़ा सा ये पक जाए तब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च जल्दी से पक जाती है, इसलिए अभी ये देखिए थोड़ी सी पक गई है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर पका लेते हैं। इन्हें फुल कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, उसके बाद इसमें टोमेटो सॉस डालिए और इन सबको अच्छे से मिलाइए। फिर इसमें हम अपनी चाउमीन ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिलाइए। अभी हम इसमें अंडे की पुर्जी भी डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। गैस को अभी आप थोड़ा सा स्लो रखें। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और सारे वेजिटेबल और मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हमारी चाउमीन खाने के लिए रेडी है। अब इसमें थोड़ी सा धनिया डाल सकते हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अंडा चाउमीन अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।